हृदय में यह बार बार प्रश्न उठता है कि हम कितनी मालाएं करें जिससे वाकई बिहारी हम पर रीझ जाएं। एक करें, 11 करें, 16 करें, 64 या 108, आखिर कितनी माला करें जो वाकई बिहारी जी हमें प्राप्त हो जाएं। तो आज बड़ी गूढ़ चर्चा हम और आप करने वाले हैं, आप सभी बड़े ध्यान से श्रवण करें। हमें कितनी माला करनी है ये हमारा विषय है। हम एक करें, 11 करें, 16 करें, 64 करें, जो आपको ठीक लगे उतनी माला आप करो। लेकिन वास्तविकता में यदि ये जानना चाहते हो कि बांके बिहारी कैसे मिलेंगे, उसके लिए तो निरंतर श्री प्रभु का नाम जपना होगा, निरंतर नाम जपना होगा। ये मत देखो मैं क्या कर रहा हूं, जपते जाओ, जपते जाओ, जपते जाओ। जपार सिद्धि, जपार सिद्धि, जपार सिद्धि न संशया। जितना अधिक हो सके उतना अधिक जपे जाओ। संख्या कोई निर्धारित करनी ही नहीं है, जपे जाना है। इसीलिए श्री सनातन गोस्वामी जी, आपने सुना होगा कि सनातन गोस्वामी जी नित्य वृंदावन से गिरिराज जी की परिक्रमा देने के लिए जाते थे। तो वृंदावन से गिरिराज जी 7 कोस की दूरी पर है, यानी 21 किलोमीटर, और 7 कोस की ही गिरिराज जी की परिक्रमा और वापस 7 कोस आना। तो 21 कोस डेली उन्हें चलना है, 7 कोस जाना, 7 कोस की परिक्रमा, फिर 7 कोस वापस आना, 21 कोस रोज चलना है। यदि वैसे देखें तो 63 किलोमीटर डेली चलना है। और इतना चलते चलते सनातन गोस्वामी जी जब चलने लगते थे, तब से ही प्रभु नाम को गाते हुए जाते थे, गाते हुए परिक्रमा करते थे, गाते हुए वापस आते थे। इतना भजन उनके जीवन में था। जब शरीर वृद्ध हुआ तो स्वयं वृंदावन बांके बिहारी ने उन्हें दर्शन दिया है, और बांके बिहारी जी ने उन्हें एक शिला दी, जिस शिला में उनकी वंशी का चिन्ह, उनके चरण का चिन्ह, गाय के खुर का चिन्ह और लकुटी का चिन्ह था, और कहा कि हे सनातन, इसे आप वृंदावन में ही स्थापित करो, और इस शिला की जो 4 परिक्रमा करेगा उसे गिरिराज जी की परिक्रमा का फल प्राप्त होगा। तो आज भी वही शिला श्री राधा दामोदर मंदिर में स्थापित है। आज भी भक्त श्री राधा दामोदर मंदिर की 4 परिक्रमा करके गिरिराज जी की परिक्रमा का फल प्राप्त करते हैं। सनातन गोस्वामी जब अधिक वृद्ध हुए तो उस समय स्वयं वृंदावन बांके बिहारी ने सोचा कि जिसने पूरा जीवन मेरे नाम को गाने में लगा दिया, आज उस सनातन को मेरी आवश्यकता है। और स्वयं वृंदावन बांके बिहारी एक बालक का रूप बनाकर उनकी सेवा में लग गए। एक 8 वर्ष के बालक का रूप बनाया और सेवा में लग गए। सनातन गोस्वामी की यह अवस्था हो गई, यह स्थिति हो गई कि उन्हें उठाने के लिए भी किसी की आवश्यकता होती थी। तो ये सब काम स्वयं वृंदावन बांके बिहारी गोपाल के रूप में किया करते थे। एक बार सनातन गोस्वामी जी शौच कर रहे थे, और शौच के समय जब गोपाल की दृष्टि सनातन गोस्वामी के ऊपर पड़ी तो देखा कि सनातन गोस्वामी जी ने एक हाथ से अपनी जीभ पकड़ रखी है। और यह दृश्य देखकर श्री गोपाल ने पूछा कि हे गोसाई जी, आपने अपने हाथ से ये जीभ क्यों पकड़ी है? तब सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि गोपाल, यह जीभ उनका नाम लेते लेते इतनी आदी हो गई है कि उनके नाम को भूलती नहीं है, विसराती नहीं है, और यह शौच की स्थिति है, इस स्थिति में मैं कैसे नाम ले सकता हूँ, इसलिए मैंने यह जीभ पकड़ ली है। तब गोपाल ने बड़े उत्तम वचनों से कहा कि गोसाई जी, आप भजन करते हो, अच्छी बात है, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब आपने अपनी जीभ को रोक रखा है कि हरि नाम ना गाए, उसी समय यदि प्राण निकल गए तो क्या होगा।